दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के रक्षा मंत्री रहे हैं और ये अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का देखा है। तो आइए जानते हैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब के बारे में। जॉर्ज फर्नांडिस साहब का जन्म 3 जून 1930 को मंगलोर, कर्नाटक में हुआ था। व्यापार संघ के नेता, राजनेता, पत्रकार में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। जॉर्ज फर्नांडिस एक पूर्व ट्रेड यूनियन नेता, राजनेता, पत्रकार और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं। जॉर्ज फर्नांडिस ने व्यापारिक संघ नेता, पत्रकार, राजनेता और एक मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाई थी। आजीवन उन्होंने मजदूर के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वे जनता दल के प्रमुख नेता रहे और बाद समता पार्टी का। राजनीतिक जीवन में उन्होंने केंद्र में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने संचार उद्योग, रेलवे तथा रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। वे वाजपेयी सरकार में अकेले क्रिश्चियन मंत्री थे। उनके माता पिता उन्हें धर्म की शिक्षा के लिए बेंगलोर भेजा था, पर वे बॉम्बे चले गए, जहाँ जाकर वे एक तेज तरार व्यापार संघ नेता के रूप में उभरे। सन 1950 और 60 के दशक में बॉम्बे में उन्होंने कई हड़तालों का नेतृत्व किया। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण हड़ताल थी 1974 की रेलवे हड़ताल। और अब जानते हैं उनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब का जन्म जॉन जोसेफ फर्नांडिस और एलिथ माथा फर्नांडिस के यहाँ बेंगलोर में 3 जून 1930 को हुआ था। उनकी माता किंग जॉन पंचम की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। इनका भी जन्म 3 जून को हुआ था, इस कारण उन्होंने इनका नाम जॉर्ज रखा। उन्होंने अपने सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मैंगलोर के एलोसिस में से पूरा किया, पर स्कूल की पढ़ाई के बाद परिवार की रूढ़िवाद परंपरा के चलते हुए पतुर होने के नाते उन्होंने धर्म की शिक्षा के लिए मैंगलोर में सेंट पीटर्स सेमिनरी भेजा गया। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1946 से 1948 तक रोमन कैथोलिक पादरी का प्रशिक्षण दिया गया। अब जानते हैं उनके करियर के बारे में। नौकरी की तलाश में जॉर्ज फर्नांडिस 1949 में बॉम्बे आए, जहां उन्होंने एक अखबार के रूप में रीडर की नौकरी मिल गई। उनका संपर्क अनुभवी यूनियन नेता प्लासिड मिल डी मेलो और समाजवादी राम मनोहर लोहिया से हुआ, जिनका उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। बाद में वे समाजवादी व्यापार संघ आंदोलन से जुड़ गए। इसके बाद व्यापार संघ के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। छोटे पैमाने के उद्योग जैसे होटल, रेस्टोरेंट में काम करने वाले प्रशंसकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 1961 से 66 तक बॉम्बे नगर निगम के सदस्य रहे। इस दौरान वे शोषित कामगारों की आवाज़ के महान नगर का प्रतिनिधित्व संस्था के साथ उठते रहे। सन 1967 में आम चुनाव में फर्नांडिस ने मैदान में उतरने का निर्णय लिया। उन्हें बॉम्बे के दक्षिण संसदीय सीट से संयुक्त सामाजिक पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध लड़े और जॉर्ज फर्नांडिस ने 1967 में चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा की सीढ़ियां पर चढ़ी। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 1974 में लाखों कामगारों के साथ हड़ताल कर दी, इस कारण हजारों को जेल जा में डाल दिया गया। फर्नांडिस ने 1994 में समता पार्टी की स्थापना की। प्रधानमंत्री वाजपेयी के मंत्रिमंडल में रहकर एकमात्र ईसाई थे और संचार उद्योग, रेलवे तथा रक्षा विभाग के मंत्री रहे। मार्च 2001 में तहलका घोटाला सामने आने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने इस गड़बड़ी के नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रक्षा मंत्री से इस्तीफा दे दिए थे। और अब जानते हैं उनके जीवन के घटनाक्रम। 1930 में कर्नाटक में उनका जन्म हुआ। 1946 में धर्मगुरु के प्रशिक्षण के लिए बंगलोर भेजे गए। 1946 से 1948 तक सेंट पीटर सेमिनरी बेंगलोर में अध्ययन किया। 1949 में नौकरी के तलाश में बॉम्बे गए और सामाजिक व्यापार संघ में शामिल हो गए। 1950 और 60 के दशक में बॉम्बे के कई हड़तालों का नेतृत्व किए। 1971 में लीला कबीर से विवाह कर लिए। 1974 में रेलवे की सबसे बड़ी हड़ताल आयोजित की और 1980 के दशक में फर्नांडिस और लीला कबीर एक दूसरे से अलग हो गए और 1984 से जया जेटली उनकी साथी बन गई। 1998 में उन्होंने सरकार परमाणु प्रशिक्षण करेगी की घोषणा की और 2009 में हुए मध्यावधि चुनाव में वह एकमात्र निर्विरोध नेता के रूप में उतरे। दोस्तों, ये थी जॉर्ज फर्नांडिस साहब के बारे में एक छोटी सी जीवनी।
आज 29 जनवरी 2019 को बीमारी से लड़ते हुए वे आखिरी सांस लिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।